अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फातिमा इकबाल है। ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर काम कर रही हूँ मैं। जैसा कि आजकल काफ़ी सारी टेम्पलेट्स जो है वो कैनवा को यूज़ करते हुए बना रही हूँ, और काफ़ी सब लोग जो हैं वो मुझसे पूछते भी हैं कि मैंने कौन सी ऐप यूज़ की है, मैंने कैसे बनाई हैं। तो जैसे कि आजकल जो है वो हमारा कंपनी की तरफ से डिजिटल कंपटीशन चल रहा है, और उसके लिए जो है वो हम इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं एएसएम्स के, डायरेक्टर्स के, मैनेजर्स के। तो हम लोग जो है वो इंटरव्यू वाली जो है वो टेम्पलेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई वो मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन्स पर, इस वक्त मैंने कैनवा ऐप जो है वो अपनी ओपन की हुई है, और इस पर आप लोगों को यहाँ पर एक सर्कल में नज़र आ रहा है प्लस का निशान, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट है, मैं यही ले रही हूँ, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जो साइज़ है वो इसलिए पसंद है कि मैं इसको इंस्टाग्राम के अलावा भी बाकी सब जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उधर भी शेयर कर सकती हूँ। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब मैंने इस वाइट एरिया पर क्लिक किया है तो नीचे गैलरी, इमेज, वीडियो और कलर, तीन चार ऑप्शंस मेरे पास आ गई। अब मैं इमेजेस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च वाली टैब में लिख रही हूँ इंटरव्यू। इंटरव्यू लिख के मैंने सर्च किया तो ये देखिए आप लोग नीचे मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो इंटरव्यू की पिक्चर्स आ गई। जिन पर क्राउन बना हुआ है येलो कलर का वो पिक्चर्स पेड हैं, ठीक है, और जिन पर क्राउन नहीं बना हुआ वो फ्री हैं। अब फ्री वाली पिक्चर्स में से ये पिक्चर मुझे पसंद आई, ये मैंने सिलेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मुझे अब दोबारा से ये नीचे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लैक सर्कल है जिसमें प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करूँगी, इमेज पर क्लिक करूँगी। इमेजेस में मैं गैलरी में गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक पिक्चर सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने लीडर्स की ही पिक्चर सिलेक्ट की है यहाँ पर, इसको मैं छोटा करती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको और मज़ीद छोटा करने की मुझे ज़रूरत है। अब यहाँ से मैं मूव करके इधर ले आई हूँ इसको, और इसमें मैंने इसको इस कैमरा की पिक्चर में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। यानी कि मैं जिन पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू ले रही हूँ उनको मैंने कैमरा में रख लिया है, ठीक है। अब इस पर मैंने टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ जो भी मुझे लिखना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपने सक्सेस क्लब का नाम लिखा है, जो हमारे लीडर्स का सक्सेस क्लब है उसका नाम लिखा है। अब इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर इसको मैं ले आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अपने लीडर्स की ही पिक्चर ली हुई है तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ मज़ीद टेक्स्ट को के जी लाइव इंटरव्यू ऑफ सफायर डायरेक्टर सर अवैस आज़म एंड मैम महजुद्दीन अवैस, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइम शाइम अभी नहीं लिखा है क्योंकि ये सिर्फ मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, बाय डिजिटल ट्रेनर फातिमा इकबाल, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने अपना नाम चूँकि लिखा है तो मुझे गैलरी में जाना है, अपनी एक इमेज चाहिए मुझे लगाने के लिए इस टेम्पलेट में, तो मैं अपनी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने पढ़ी है और इसको मैंने थोड़ा साइज़ छोटा करके तो यहाँ पर अपने नाम के आगे ही एडजस्ट करना है ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया और ये लगा दिया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाइव करना है फेसबुक पर तो मैं ये आप लोग देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, इसमें आइकन है, आइकन्स यहाँ पर लिखा है, इसको मैं रेज करके यहाँ पर लिख देती हूँ फेसबुक।
तो मेरे पास फेसबुक के जो आइकन्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। फाइंडर्स ऑन फेसबुक वाला मैंने चूज़ किया, उसको मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा करके तो यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मिसाल है मुझे ये वाला कलर चेंज करना है, तो मैं इसको ब्लैक कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जो है वो ब्लैक की वजह से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी इसकी लगती है कि अच्छी हो रही है, ठीक है। मैंने इसको ब्लैक कर लिया है, फाइंडर्स ऑन फेसबुक कर लिया है। मज़ीद अगर मुझे कोई इसमें ऐड करना होगा आइकन तो मैं मज़ीद भी ऐड कर सकती हूँ। मैं इस पर फिर से फेसबुक लिख देती हूँ और एक फेसबुक का सिंपल वाला जो ब्लैक मेरे पास है ये F, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो, क्लियर हो कि भाई फेसबुक पे करना है। अगर मुझे इसमें टाइमिंग ऐड करनी है मैं फिर से मज़ीद ऐड टेक्स्ट करूँगी, ठीक है, ऐड सम टेक्स्ट ऑफ योर ऑन पे, यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करूँगी। टाइमिंग फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 6 PM टुमारो, मैं यहाँ पर जस्ट लिख देती हूँ टुमारो एट 6 PM, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। लाइव इंटरव्यू टाइम भी आ गया है, ये जब चाहूँ मैं पोस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, जिस दिन मैं पोस्ट करूँगी उससे नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा। अगर मैं मिसाल है कि एक दो दिन पहले लगाती हूँ तो मैं टुमारो को यहाँ से मिटा कर तो इसकी जगह पर डेट लिख दूँगी और टाइमिंग जो है वो आगे। तो इस तरीके से मैं जो है वो बना रही हूँ अपनी इंटरव्यू वाली टेम्पलेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी बना सकते हैं इंटरव्यू वाली टेम्पलेट्स, और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। अब इसके साथ ही अब यहाँ पर मेरी ये पूरी इमेज रेडी है। अब यहाँ पर नीचे कोई भी मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कुछ आइकन्स बने हैं, जो एक एरो ऊपर से नीचे को आ रहा है लाइन के अंदर, मैं उस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरी इमेज जो है ये सेव हो जाएगी। मेरा डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहा है, कुछ इसको टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगते हैं, और उसके अंदर अंदर आपका ये डिज़ाइन जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। जैसे ही सेव होगा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सक्सेसफुली सेव्ड, और आप उसको जहाँ चाहें ये देखें, ये यू हैव सेव्ड योर डिज़ाइन, और ऊपर आ गया सक्सेसफुली सेव्ड, टैप टू व्यू, उसी पर आप जो है वो क्लिक करते हैं तो आपको व्यू करने का ऑप्शन भी आ जाता है। यहाँ से आप बैक कर दें, आपका ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया और आपके डिज़ाइंस में भी आ गया, ठीक है, योर डिज़ाइंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आपकी जो अभी अभी हमने इमेज बनाई है वो आ रही है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के मज़ीद अच्छे सेशंस जो हैं वो देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। आप लोगों को जो है वो इसी तरह की बहुत सी अमेजिंग वीडियोस और मज़ीद देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।